रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी पावर प्लांट के बॉयलर हादसे के बाद लखनऊ के सिविल अस्पताल में घायलों को देखने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए जबकि मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए देने की बात कही। सरकार की ओर से जो भी इस अवस्था में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस भी अवस्था में, उनकी चिकित्सा के संपूर्ण प्रबंध जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है करने के लिए कहा गया है। सारी तैयारियाँ पूरी हैं, लेकिन बहुत मुझे इस बात का भी दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है। बड़ी संख्या ऐसी है जो 70% प्लस ऐसा दिखाई दे रहा है, जो डॉक्टरों के द्वारा अभी बातचीत के द्वारा बताया गया है। सरकार की ओर से उनकी चिकित्सा की दृष्टि से हर संभव उपाय किया जाएगा, कोई कमी न रह जाए इसका ध्यान रखा जाएगा। सरकार की ओर से जो आर्थिक सहायता होती है सामान्यतः तो कोई बताने का विषय नहीं है, 2 लाख रुपए की जो भी नहीं रहे उनके लिए जो गंभीर रूप से घायल हैं 50,000 और सामान्य रूप से घायल 25,000 रुपये की सरकार की ओर से घोषणा की गई है। जैसा कि हम लोगों को निर्देश मिला था, हम लोगों ने पूरी जैसे हम लोगों को सूचना मिली है करीब 4:30 बजे हमारे माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने हम लोगों को सूचित किया। हम लोगों ने 50 बिस्तर किया था, लेकिन जिस हिसाब से मरीज आ रहे थे, जिस हिसाब से हम लोगों ने समाचार चैनलों पर देखा, उसके हिसाब से हम लोगों ने लगभग 100 बिस्तरों का अरेंजमेंट कर रखा है। और इसके लिए जो हमारे निदेशक महोदय, हमारे CMS महोदय सब लोग आ गए हैं। हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन, 2 प्लास्टिक सर्जन वो आ गए हैं, सर्जन सभी लोग आ गए हैं, आर्थोपेडिक सर्जन आ गए हैं, और सभी कर्मचारियों को रेड अलर्ट कर दिया गया है और सभी कर्मचारी उपस्थित हैं। हम लोग किसी भी आकस्मिक से निपटने के लिए तैयार हैं। एनटीपीसी हादसे में 24 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को लखनऊ PGI सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भी भर्ती कराया जा रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में राहुल गांधी भी घायलों को देखने पहुंचे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।